हैलो एवरी वन आई वेलकमेंट डिविजन प्लेटफॉर्म इन योर एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन केम ऑन नाइन अप्रिल टू थाउजंडी शिफ्टन शिफ्ट वन का क्वेश्चन है ये सो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहता है क्वेश्चन भाई क्वेश्चन इज एल इज प्लेड ऑन द हॉरिजॉन्टल ठीक है सच दैट हॉरिजोंटल पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सर्फेस टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द दर्फेस द वर्क डन शुड बी मतलब कोई भी एक सरफेस ले लें आप ठीक है उस सरफेस पे एक केबल है जिसका अगर केबल का पूरा लेंथ एल है तो इसका वन एंथ पार्ट ऑफ एल इज हैंगिंग ठीक है वो हैंग कर रहा है इसका इतना पोर्शन हैंग कर रहा है तो अब क्या करना है कि कितना वर्क डन हो ताकि इसको पूरा उठा के वापस इस पोजीशन पे ले आए जहां वो टोटल तो, तो, एल लेंथ का सारा का सारा सारा का सारा, का सारा का केबल सरफेस पे आ जाए ठीक है टॉप मोस्ट सरफेस पे आ जाए तो व्हाट शुड बी द वर्क डन देखो जो भी डन करेंगे, दैट बी इन द फॉर्म ऑफ इन दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी तो जल्दी से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आसानी से बिकॉज दैट वुड बी द इजिएस्ट वन तो वही करेंगे हम ठीक है सबसे पहले वी नो दैट कि हैंगिंग पार्ट का कितना मास हैंग कर रहा है वो निकालना पड़ेगा आपको वी ऑलरेडी नो दैट कि ये पूरा लेंथ का मास कितना होता है एल लेंथ का मास कैपिटल है होगा दिस द हैंगिंग मास का मास कैपिटल एम है तो एल बाय का मास कितना होगा दिस वुड एल बी गेटिंग एम बाय तो ये सारा एम बाय लेंथ इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा So, सेंटर ऑफ ये कितने डिस्टेंस पे है एल by टू एन डिस्टेंस पे है अपर सरफेस कितने डिस्टेंस पे है नीचे एल by टू एन क्योंकि बिल्कुल इसके मिडिल में होगा है ना तो एम ये इतना पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके मिडिल में है दैट इज इक्ट टू एम बाई एन और वो ऊपर वाले से एल बाई एन

पूरे केबल को उठा के आप सरफेस पे अब ले जाएंगे सो दैट वुड बिकम इट्स रेफरेंस पॉइंट एंड दैट इज उसका हम पोटेंशियल लेट इट बी जीरो तो इसके नीचे का अगर पोटेंशियल जो भी होगा वो निगेटिव होगा तो इनिशियली सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाज एम इंटू जी टू एच है ना तो so माइनस में लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है तो नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा माइनस एम कितना मास हैंगिंग है एम इन टू जी इन टू एच कितना हाइट नीचे है एल बाय

जब ये पूरा केबल ऊपर आ जाएगा क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी जीरो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वुड तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करता है वो कितना होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल तो पी फाइनल ऑलरेडी जीरो है इनिशियल तो इनिशियल कितना था माइनस एम जी एल बाय टू स्क्वायर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल व्हाट विल बी गेटिंग वर्क डन मस्ट इक्वल टू एम जी एल बाय टू स्क्वायर आई होप दिस थिंग इज क्लियर सो जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा क्लियर है uh, सही है एम जी एल बाई टू स्क्वायर सो ए वुड बी अवर करेक्ट

फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हमें लगाना पड़ेगा कितना वर्क डन करे ताकि सारा केवल ऊपर आ जाए सो दिस वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल और दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी थैंक यू